हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम शॉर्ट कुर्ती लॉन्ग ब्लाउज बनाना सीखेंगे और हम ये फ्रेंड्स से ओपन नहीं बनाने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको कटिंग और स्टिचिंग दोनों करके बताने वाली हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले कपड़े को डबल फोल्ड किया है। देखिए, चेस्ट का साइज़ हमें रखना है 34 इंच, तो 34 का आधा होता है 17 इंच। 17 इंच में हमें 3 से 4 इंच प्लस कर देना है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, क्योंकि हम इसमें टक्स वगैरह डालते हैं तो कपड़ा थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है मार्जिन के लिए। तो कपड़े की जो चौड़ाई है वो हम लेंगे लगभग 21 इंच की, और ब्लाउज़ की लेंथ हमें रखनी है 21 इंच, तो लगभग हम 23 से 23.5 इंच लेंथ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 21 इंच चौड़ा और 23.5 इंच लंबा कपड़ा कट कर लेना है डबल फोल्ड करके। ये हमने कपड़ा कट कर लिया, अब हम इसकी लेंथ निकाल लेते हैं 23.5 इंच की। जितनी आपको ब्लाउज़ की लेंथ रखनी है उसमें 2 से 2.5 इंच प्लस कर दीजिएगा। अब इस कपड़े को हम ऊपर की ओर फोल्ड करते हुए 4 फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड तो हमारा कपड़ा था ही, इसे हमने ऊपर की ओर फोल्ड करते हुए 4 फोल्ड कर दिया है। अब हम शोल्डर्स के लिए चौड़ाई लेंगे 6 इंच की, तीरे का निशान लगाना है 6 इंच पर, और आर्महोल की लंबाई का निशान लगाएंगे 7 इंच पर। इस तरीके से यहाँ पर हमें एक बॉक्स बना देना है, और फिर देखिए जो यहाँ पर कोना है यहाँ पर 1.5 इंच पर सेंटर निकालिए और मार्क कीजिए और गोलाई दे दीजिए। ये होगा हमारे ब्लाउज का बैक वाला आर्महोल। फ्रंट वाला आर्महोल की कटिंग हम थोड़ी देर बाद करेंगे, नेक की कटिंग करने के बाद। ठीक है, अब देखिए यहाँ साइड में नीचे की तरफ हमें चाक बनानी होती है, तो लगभग 6 से 7 इंच पर आप चाक का निशान लगाइए और 1/2 इंच अंदर की ओर लेते हुए नीचे की ओर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ बीच में हमें शेप का निशान लगा देना है इस तरीके से गोलाई देते हुए। यहाँ पर हम इस तरीके से गोलाई देते हुए निशान लगा देते हैं तो ब्लाउज़ की फिटिंग एक सिलाई में हो जाती है और बहुत ही अच्छे से होती है। अब हम इनकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से 1/2 इंच अंदर की ओर लेते हुए नीचे की ओर कट कर दीजिए। यहाँ तक हमारी कुर्ती है वो बंद रहेगी, बाकी नीचे की तरफ चाक बनेगी। अब हमें एक पार्ट हटा देना है और एक पार्ट को फिर से डबल फोल्ड करना है। यहाँ पर हम नेक की कटिंग करेंगे, तो नेक की विड्थ रखनी है 2 इंच की चौड़ाई, और लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा डीप गला पहनते हैं तो 9 इंचेस तक ले जा सकते हैं, और मीडियम साइज़ का गला 7 इंच तक ठीक है। तो यहाँ पर हमने लंबाई 7 इंच रख ली है। यहाँ से भी गले की चौड़ाई 2 इंची रखेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा डीप नेक नहीं बना रहे हैं, इसलिए गोल शेप दे देंगे। आप चाहो तो स्क्वायर शेप भी रख सकते हो। ये ब्लाउज़ का बैक वाला नेक है। ठीक है, अब जो दूसरा वाला पार्ट है वो लेंगे हम, और उससे भी डबल फोल्ड करेंगे। वहाँ पर भी हमें नेक की कटिंग करनी है, और जो फ्रंट वाला आर्महोल है उनकी भी ज़्यादा कटिंग करनी है। तो जो हमने बैक नेक कट करा था उसी को यहाँ पर रखेंगे, लेकिन लेंथ रखेंगे इसकी सिर्फ 6 से 6.5 इंच की। ठीक है, 6 या 6.5 इंच रखेंगे, यहाँ पर हम ज़्यादा डीप नेक नहीं बना रहे, इसलिए इस नेक को इस तरीके से ऊपर की ओर रखते हुए इसी नाप का और इसी साइज़ का हम नेक कट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो आर्महोल की गोलाई दे रखी है हमने, जो कोना बनाया था वहाँ पर हमें 1 इंच अंदर की ओर एक आर्महोल और ड्रॉ करना है। ये देखिए, जो कपड़ा मार्जिन में जाएगा उसे बिल्कुल नहीं कट करना है। ये जो गोलाई है यहाँ से इसे बीच में से कट कर दीजिए 1/4 या 1 इंच पर। इससे क्या है कि आर्महोल में कोई सलवटें नहीं आती है, फ्रंट का जो आर्महोल है वो एकदम अच्छे से फिटिंग रहता है। ये होगी दोनों पार्ट्स की कटिंग। अब हम मैं आपको टक्स का निशान लगाना बता देती हूँ, जो कि इसमें मेन इंपॉर्टेंट है। अगर ये टक्स सही से नहीं डलते हैं तो ब्लाउज़ की फिटिंग सही नहीं होती है। तो हमें शोल्डर्स से नीचे 11 इंच पर निशान लगाना है, और लगभग 4.25 इंच अंदर की ओर एक निशान और लगाना है। ये मेन टक है तो इसका आप जरूर ध्यान रखिएगा। 11 इंच लंबाई रखी है हमने और 4.25 इंच अंदर की ओर निशान लगाया है। और देखिए जो साइड का कट है उससे थोड़ा सा नीचे की ओर हम डार्ट डालते हैं, और इनको बीच में से इस तरीके से मोटा रखते हैं, और एंड और स्टार्टिंग से पतला रखना है ये इस तरीके से। मेन टक अगर हमारा परफेक्ट नहीं बना तो ब्लाउज़ की फिटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। अब इसी टक से ऊपर 1 इंच हमें एक निशान लगाना है। ठीक है, अब जो हमने निशान लगाया इससे हम दूरी पर सारे टक्स के निशान लगाएंगे। तो 1.5 इंच दूरी पर एक निशान लगाइए साइड में, और 1.5 इंच दूरी पर एक निशान और लगाइए आर्महोल की तरफ। वैसे तो इसमें 4 टक्स डाले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये फ्रंट से ओपन नहीं है तो हम इसमें 3 टक्स ही डालेंगे। ये एक आर्महोल की तरफ ले जाइए और एक साइड की स्टिचिंग तिरछा कर दीजिए इसे। ठीक है, यहाँ चाहो तो आप बीच में भी डाल सकते हो, लेकिन इससे लुक अच्छा नहीं आता इसलिए हम नहीं डालते हैं। इसी पॉइंट से लगभग 1.5 से 2 इंच दूरी पर एक पॉइंट इस तरीके से बनाया जाता है, और यहाँ पर बीच में टक्स डाला जाता है। ठीक है, अब इसी तरीके के टक्स हमें दूसरी तरफ भी बना देने हैं।
तो हम कपड़े को देखिए उल्टी साइड हमने निशान बनाया, इसे हम फोल्ड करेंगे और इस तरीके से हाथ से प्रेस कर देंगे तो जो चौक के निशान है वो दूसरी तरफ भी बन जाएंगे। इसे आप चौक से ड्रॉ कर लीजिएगा। इस तरीके से दोनों तरफ तीन तीन टक्स डालने हैं और बैक वाले पार्ट में भी हमें दो टक्स डालने होते हैं। तो लेंथ रख लीजिए आप 11 इंच की और ये जो कमर का हमने कट लगाया है उससे नीचे तक हमें टक्स डालने होते हैं और अंदर से रख लीजिए 4.5 इंच तक, दोनों तरफ से पतला और बीच में मोटा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी साइड भी बना लीजिए। ये हो गए टक्स के निशान। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कपड़े को डबल फोल्ड किया है और चौड़ाई लिए लगभग 9 से 9.5 इंच की। जितनी भी आप स्लीव्स की लंबाई रखना चाहते हैं उसमें 2 इंच प्लस कर दीजिए क्योंकि दोनों तरफ मार्जिन में भी जाएगा कपड़ा। तो यहाँ पर हम 4.5 इंच की स्लीव्स बनाने वाले हैं, तो 6.5 इंच की कट करेंगे। ठीक है, यहाँ से 3 इंच नीचे की ओर एक निशान बनाइए और इस तरीके से स्लीव्स में शेप दे दीजिए। गोलाई देते हुए कटिंग कर लीजिए और यहाँ से इसे तिरछा कट कर लीजिए। ठीक है, इसी नाप के हमें एक और स्लीव्स कट कर लेनी है, ध्यान रखिएगा। अब इन दोनों को फोल्ड कीजिए। देखिए हमने आर्महोल 7 इंच पर लगाया था तो हम यहाँ पर 7 इंच पर मार्क करेंगे और 7 इंच वाले निशान से सेंटर पॉइंट तक एक सीधी लाइन बनानी है और इनकी हमें कटिंग कर देनी है सिर्फ 2 पार्ट्स की ही। स्लीव्स जो होती है उनकी जो फ्रंट की तरफ रहती है उनकी हमें ज़्यादा कटिंग करनी होती है ताकि आर्महोल में सलवटें ना आए और फिटिंग अच्छे रहे। यहाँ पर फिटिंग की स्टिच का मार्क कर दीजिए और एक सेंटर भी बना दीजिए। इस तरीके से दोनों स्लीव्स कट हो गई है। ये हमारे पूरे ब्लाउज की कटिंग हो गई। अब हम आपको सिलाई बताएंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट रेडी कर लेते हैं, उसमें हम मेन टक्स डालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें मेन टक की सिलाई लगानी होती है और जब हम ड्रॉ करते हैं तो मेन टक की ड्रॉ करते हैं। देखिए स्टार्टिंग में हमें इसे पतला लेना है, बीच में मोटा कर देना है और एंड में इसे फिर से पतला कर देना है। इतना पतला करना चाहिए कि ऊपर की ओर एकदम फिनिशिंग आ जाए, कपड़ा एकदम प्लेन हो जाए। ठीक है, फिर साइड वाला टक और फिर आर्महोल की तरफ जो टक है वो भी हम डाल देंगे इसमें। तो ये देखिए साइड वाला जो टक है उसमें हमें आधा इंच से भी कम कपड़ा लेना है, सिर्फ 1/4 इंच कपड़ा लेना है स्टार्टिंग में। और देखिए अंदर तक आते आते एकदम कपड़े को पतला कर देना है। और ये जो आर्महोल की तरफ टक्स डालना है, हमें डार्ट डालना है, उसकी चौड़ाई आप थोड़ी सी ज़्यादा लीजिएगा साइड वाले टक्स के मुकाबले। ठीक है, इससे भी बीच में आते आते एकदम पतला कर दीजिए। इस तरीके से बहुत ईजी तरीके से हमने तीनों टक्स डाल लिए। अब दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से टक्स बना लेंगे। ठीक है, ये फ्रंट पार्ट में हमने टक्स बना के रेडी कर लिया है। अब हम बैक पार्ट में भी जो हमने टक्स डाल रखे हैं उनको सिलाई लगा लेंगे और फिर हमें शोल्डर्स जॉइंट करने हैं। तो आप गले की तरफ से कपड़ा बराबर रखिएगा। ठीक है, अब हमें देखिए किस तरीके का उरेब कपड़ा लेना है, यानी कि तिरछा कपड़ा लेना है गले पर पाइपिंग बनाने के लिए। और लगभग 1 से 1.5 इंच चौड़ी हमें पट्टियाँ कट कर लेनी है। उरेब पट्टियाँ कट कीजिएगा, यानी कि इस तरीके की पट्टियाँ जो बढ़ती हो, और इन्हें एक के ऊपर एक कुछ इस तरीके से तिरछी रखिए और जॉइंट कर लीजिए। अब हम नेक पर इस पट्टी को रखेंगे और पट्टी को हल्का हल्का सा हमें खींचना है। जो शोल्डर्स की सिलाई है वहाँ पर ज़्यादा खींच लीजिएगा और बाकी हमें हल्का हल्का सा खींचते हुए पूरी पट्टी को लगाना है। पाइपिंग लगाने से गला एकदम फिटिंग रहता है, लूज नहीं रहता है और शोल्डर्स भी नीचे की तरफ नहीं गिरते हैं। ठीक है, यहाँ से जॉइंट कर दीजिएगा। अब हम इस पट्टी को अंदर की ओर फोल्ड करेंगे। पहले बराबर फोल्ड कर दीजिए, उसके बाद एक बार और फोल्ड कर दीजिए और जो हमने सिलाई लगाई थी उसी के जस्ट ऊपर आपको ये सिलाई लगानी है। कपड़ा एकदम अच्छे से अंदर की ओर दबना चाहिए। अगर एक सिलाई में ना दबे तो आप इसके पास में एक सिलाई और लगा सकते हो। पाइपिंग एकदम पतली रखिएगा। ठीक है, हमारी पाइपिंग बनकर रेडी। हमने इसके पास में एक सिलाई और लगाई ताकि अंदर का जो कपड़ा है वो अच्छे से दब जाए। अब हम स्लीव्स जॉइंट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, साइड का ये जो चाक की कटिंग है वहाँ से ब्लाउज़ को यहाँ से नापना है साइड से, क्योंकि हमने जो फ्रंट पार्ट में आर्महोल डाले थे तो इससे साइड की जो सिलाई है वो छोटी बड़ी हो गई है कपड़ा जो है। तो हमें बैक वाला आर्महोल थोड़ा सा कट कर देना है। ठीक है, दोनों साइड इसी तरीके से नाप के कर लीजिए और फिर स्लीव्स को यहाँ से फोल्ड कर लीजिए फ्रंट की तरफ से। स्लीव्स जॉइंट करते वक्त सेंटर बना लीजिएगा और जो हमने स्लीव्स की ज़्यादा कटिंग करी थी वो हमें फ्रंट की तरफ रखनी है और बाजू जॉइंट करते वक्त बाजू को हमेशा ऊपर की ओर ही रखना है, वरना आपका जो ब्लाउज का आर्महोल है वो छोटा बड़ा हो सकता है।
ये हमने आधी दूरी में सिलाई लगा ली है। अब हम आधी दूरी में सिलाई लगाएंगे, बाजू को ऊपर की ओर ही रखते हुए तो हम ब्लाउज को घुमा लेंगे और यहाँ पर डबल सिलाई लगा दीजिएगा आप स्लीव्स पर और दोनों बाजू इसी तरीके से जॉइंट कर लीजिए। फिर हम फिटिंग की स्टिच का निशान लगाएंगे। तो पहले हमें क्या करना है, यहाँ से नाप लेना है कि दोनों साइड की जो सिलाई है वो बराबर है या नहीं। अगर बराबर नहीं हो रही तो आप जो हमने स्लीव्स जॉइंट करी थी वहाँ पर सिलाई लगा के बराबर कर सकते हो। पहले हम बाहर की ओर सिलाई लगाएंगे, इससे क्या है कि कपड़े के धागे अंदर की ओर नहीं दिखाई देंगे। तो एकदम किनारे पर सिलाई लगा लीजिए। देखिए सिलाई लगाते वक्त दोनों तरफ कपड़ा बराबर आना चाहिए। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दीजिए, कपड़े के जो धागे हैं वो भी कट कर दीजिए। फिर इसे हम पलट कर यहाँ पर फिटिंग की स्टिच का मार्क करेंगे। देखिए जो हमने चाक के निशान लगा रखे हैं वहाँ से हमें कमर का साइज लेना है, तो हमें 34 इंच रखना है। तो यहाँ पर हम 17 इंच पर निशान लगा लेंगे, ठीक है। और ऊपर की ओर चेस्ट का साइज भी हमें 34 इंच ही रखना है, तो यहाँ पर हम 17 इंच पर मार्क कर लेंगे। गोलाई हमने दे रखी है, जो शेप दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए और स्टिच लगा लीजिए, ठीक है। अब हम साइड की चाक को फोल्ड करेंगे, तो इस तरीके से अंदर की ओर कीजिए कपड़े को डबल फोल्ड और ऊपर की ओर सिलाई लगा दीजिए। यहाँ से चाक एकदम परफेक्ट फोल्ड होनी चाहिए, यहाँ पर कोई लूज नहीं रहना चाहिए कपड़ा। इस ब्लाउज को आप साड़ी के साथ भी पहन सकते हो और लहंगे के साथ भी पहन सकते हो। इसके साथ हमने अम्ब्रेला लहंगा बनाया था, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। देखिए साइड की चाक फोल्ड करते हुए लंबाई आप नाप लीजिएगा, एक साइड से छोटी और एक साइड से बड़ी नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप चारों चाक को फोल्ड करके फिर फोल्ड कीजिएगा दोनों साइड की चाक को। अगर आपने डीप नेक बनाया तो पीछे की तरफ आप डोरिया भी लगा सकते हो। और ये हमारा ब्लाउज बनकर रेडी है, आप देख सकते हैं। इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी होगी, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा।